तो दोस्तों मैं आज आप लोग को शनि जिले के आया हूँ और दोस्तों देख पा रहे हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा, ये शनि जी के जस्ट सामने ये नदी, शायद ये कोयल नदी हो सकती है। तो पूछते हैं कौन सा नदी है? कोयल नदी। ओ तो मैंने यहाँ पे पूछा ये शायद ये कोयल नदी है और कोयल नदी का ये दृश्य काफ़ी भयानक, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रही है। और चलिए आप लोग को लेके चलते हैं शिव मंदिर तक। तो अगर आप आना चाहते हैं इस जगह में तो आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर पे यह समीज पड़ेगा, तो समीज पे ही देखने को मिल जाएगी शिव मंदिर। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी लोग दर्शन करके वापस अपने घर तक आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं शायद आखिरकार समय तक पहुंच गया हूं। और इधर एक तरफ कीर्तन हो रही है, दूसरे तरफ ताड़ी बिक्री कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं समीज का शिव मंदिर पहुंच गया हूं और आप लोग को दिखा सकता हूं। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों ये गेट है, तो चलिए अंदर लेके चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, अंदर क्या है, कितना मंदिर है, क्या हो रहा है। तो चलिए आज महाशिवरात्रि है तो अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है और वहाँ पे कीर्तन हो रही है, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ। काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ है तो आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है और अंदर कीर्तन हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी भयानक एक मेला लगती है जो होलिका दहन में लगती है, तो अगर आप लोग को आना है तो ज़रूर एक बार होलिका दहन में आ सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के लिए अनेक सुविधा है, प्रसादियों के लिए नारियल और पूजा सामान के लिए काफ़ी यहाँ पे सुविधा है। और ये एंट्री गेट है, और सामने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रही है। ये शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे काफी लोग दर्शन करके वापस अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आप लोग लेके चलते हैं जहाँ कीर्तन हो रही है वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। शायद ये 36 घंटा का कीर्तन हो रही है और सामने देख सकते हैं दोस्तों सदाशिव मंदिर यहाँ पे लगा हुआ है। Oh!
तो दोस्तों ये है समीर जी का मंदिर परिसर का नज़ारा इस प्रकार है, और श्रद्धालु यहाँ पे आके अपना पूजा यचना कर रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे दोस्तों इस प्रकार ये समीर का ये शिव मंदिर, और सामने और एक मंदिर है यहाँ पे है, और चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। भक्तगण यहाँ पे आके अपना दर्शन करके उधर इधर घूम रहे हैं, तो चलिए आप लोग को चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं। और दोस्तों देख पा रहे होंगे सामने यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए इतना भीड़ लगे हुए हैं, और सब अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस प्रकार ये नज़ारा समीर जी मंदिर का। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों मंदिर के बीचों बीच ये एक पेड़ निकला हुआ है, तो मैं अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है तो अंदर का नज़ारा आप लोग को नहीं दिखा सकता, बस बाहर बाहर से दिखा रहा हूँ। और मंदिर परिसर के चारों ओर का नज़ारा इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कीर्तन हो रही है, तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे नज़ारा है समीज का। ये शिवरात्रि में लगने वाला अखंड कीर्तन का ध्वनि आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे खिलौना है और बहुत सारा खाने पीने का यहाँ पे सामान मिल जाएगी। अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे भक्तगण अपने घर दर्शन कर चुके हैं। अभी मंदिर परिसर पूरा खाली है और इधर प्रसादी का सामान मिल सकता है, शायद यहाँ पे एक दो होटल भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार ये समीर जी मेला का नज़ारा है। यहाँ पे छोटे मोटे दुकान लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ है, तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो काफ़ी लंबा यहाँ पे दुकान लगी है और इधर पार्किंग का सुविधा है, तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।